शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर रिश्तेदारों ने घर में की तोड़फोड़ और चोरी। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, चाचा और भाइयों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। घर में चोरी कर घर की सीढ़ियों को भी तोड़ा गया। बता दें कि घर में घुसने पर जवान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तीसरी मंजिल में पीड़िता बुजुर्ग मां के साथ कर रही है गुजारा। मकान हड़पने की नीयत से रिश्तेदारों ने दिया था वारदात को अंजाम, और वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। गोविंद नगर पुलिस नहीं कर रही कोई सुनवाई। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि गोविंद नगर पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है, पुलिस का वही ढीला रवैया देखने को मिल रहा है। एसपी दक्षिण दीपक भूकर ने लगाई है न्याय की गुहार। एसपी से मुलाकात के बाद भी नहीं हुई कोई भी सुनवाई, और ये आपको सीसीटीवी फुटेज तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग घर में घुस रहे हैं, रिश्तेदार हैं ये, और घर में घुस रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। रिश्तेदारों ने घर में तोड़फोड़ और चोरी की, यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिर्फ के न्यूज पर कि कैसे सीसीटीवी फुटेज में इन चोरों का कारनामा दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशासन मुंह पे ताला लगाकर बैठा है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिस तरीके से पुलिस का ढुलमुल रवैया हर बार देखने को मिलता है, यहाँ पर भी वही रवैया पुलिस का देखने को मिल रहा है। पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन प्रशासन कान में उंगली डालकर बैठा है। रिश्तेदारों ने घर में तोड़फोड़ की, चोरी की, पीड़िता अपनी मां के साथ तीसरी मंजिल पर गुजारा करने को मजबूर है। लगातार गुहार लगा रही है न्याय की, लेकिन प्रशासन द्वारा उसको कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। रिश्तेदारों ने घर में तोड़फोड़ की और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कैसे घर में घुसे, हाथों में हैमर आपको दिख रहा है उनके, पिस्टल दिख रही है, और घर में घुसते हैं, चोरी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, और सीसीटीवी फुटेज भी है। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके बाद भी पुलिस का ढुलमुल रवैया देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया रहता है? आखिर क्यों वो फरियादियों की समस्या नहीं सुनता? जब जिम्मेदार ही अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आम जनता अपनी फरियाद लेकर कहां जाएगी? चाचा और भाइयों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है, सीसीटीवी फुटेज है, उसके बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कानपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कानपुर के गोविंद नगर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर चाचा और भाइयों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और तोड़फोड़ की। झांसी में स्टॉप